कैसे हैं सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ पालक पनीर की रेसिपी। पालक पनीर की ये रेसिपी जो है बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनने वाली, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। चले जी, बिना वक्त ज़ाया किए बनाते हैं पालक पनीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 200 ग्राम जो है ये पनीर लिया है और एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, एक टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें। इसके अलावा आधा किलो के करीब मैंने जो ये पालक ली है। सबसे पहले हम पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल में तकरीबन ये 5 टेबलस्पून ले रही हूँ। इसमें मैं प्याज को मैं शामिल करूँगी। इसको थोड़ा गुलाबी करेंगे, थोड़ा सा पिंक कलर पर आएगी तो हम इसको जो है चूल्हा बंद कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ हम इसके अंदर जो है टमाटर भी ऐड कर रहे हैं। ये हल्की सी नरम हो गई है तो हम इसमें टमाटर भी ऐड कर रहे हैं और हरी मिर्ची भी। इनको हल्का सा हमें फ्राई करना है ताकि हम इसको जब ग्राइंड करें मिक्सचर जार में तो ये आसानी से हो जाए और कच्चापन ना रहे। अच्छा, एक चम्मच मैंने नमक डाला है, ज़ीरा 1 चम्मच, लाल मिर्ची पिसी हुई 1 चम्मच और हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और अदरक का पेस्ट भी 1 चम्मच। इन सबको हल्का हमें जो है वो भूनना है एक तरह से, और थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि हमने ऑयल थोड़ा कम डाला है तो उसके लिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन ढाँप दिया है ताकि अच्छे से ही सॉफ्ट हो जाए। देखिए अच्छे से हमारी हो चुकी है तो इसको अब हम निकाल लेंगे। अच्छा, इसी फ्राई पैन में हम जो है 2 टेबलस्पून जो है मैं ऑयल डाल के ये पनीर डाल रही हूँ ताकि जो आसपास जो मसाला रह गया है वो भी इसमें अच्छे से लग जाए और मसाला चढ़ जाए। इनको हल्का सा हमें जो है फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए ताकि हमारे पनीर भी टेस्टी हो जाए। अच्छा, मैं ढक्कन ढाँप के जो है ये पालक को रख रही हूँ। 1 स्टिम के बाद मैंने चूल्हा बंद करके पालक निकाल ली है और इसमें अब थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड में प्याज टमाटर के साथ कर रही हूँ। अच्छा जी, उसी पैन में मैं 2 टेबलस्पून मजीद जो है ऑयल डाल के पालक का जो है इसको पकाऊंगी मैं। देखिए, हमने स्टीम कम दिया था तो हमारा कलर बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीन कलर, नेचुरल कलर है। तो बस हमने सिर्फ सॉफ्ट करना था कि ताकि हमारी ये बाद में भी पकनी थी, बस इसको इतना पकाना है कि ऑयल ऊपर आ सके। हम सारे मसाले, हर चीज़ हम पहले ही ऐड कर चुके हैं इसमें, बस हमें इसको 5 से 8 मिनट तक के लिए पकाना है। इसका थोड़ा कलर चेंज होगा लेकिन बहुत नहीं होगा, देखने में बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, मैं 4 टेबलस्पून के करीब मैं दही इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं लेकिन मुझे ये पसंद है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पनीर मैं डाल चुकी हूँ और मैं शूट करना ज़रा भूल गई थी तो मैंने इसमें साथ में पनीर भी ऐड कर दिया है। देखिए, मज़ेदार से हमारी पालक पनीर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।